हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन स्प्लिट एसी की वायरिंग है ना, सीएसआर वायरिंग, आउटडोर की, इंडोर की पूरी वायरिंग देखेंगे। इंडोर में तो कुछ भी वायरिंग नहीं रहती अपने को, इंडोर में सिर्फ एसी न्यूट्रल लगे हुआ रहता। इंडोर ऑन होने के बाद में अब आउटडोर की वायरिंग रहती। अब आउटडोर में भी जो अपने कंप्रेसर रहता सिंगल फेज से चलने वाला रहता, मतलब इसको फेज न्यूट्रल होने का रहता। फैन मोटर भी जो रहती उसको भी फेज न्यूट्रल होने का रहता। तो अब ये फेज न्यूट्रल अपन कहाँ से लगाते? अब इसमें डायरेक्ट फेज न्यूट्रल बोल के लिखा हुआ नहीं रहता, समझो सीएसआर बोल के लिखा हुआ रहता। अब इसके अंदर भी अपने को सेम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहता। तो अब सीएसआर में कौन से वायर लगाना है? अब कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं इसके अंदर अपन, तो कैपेसिटर कई को यूज़ करते हैं पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो, समझ में आ जाता। और इसकी पूरी वायरिंग पे एक डायग्राम भी बना के रखा डिटेल में मैं, मतलब आउटडोर कैसा ऑन होता, इंडोर कैसा चलता, कंप्रेसर की वायरिंग, फैन मोटर की वायरिंग, पूरी वायरिंग उसके ऊपर भी बना के रखा समझो। तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वो भी वीडियो देख लो। इसके अंदर जो है वही वीडियो का प्रैक्टिकल करें अपन, तो प्रैक्टिकल बोले तो लाइव अपन वायरिंग करके देख रहे समझो। अब ये इंडोर और आउटडोर की वायरिंग देख रहे हैं ना अपन, तो ये इंडोर है। इंडोर के अंदर जो है अपने को फेस न्यूट्रल से इंडोर ऑन हो गया, मेन सप्लाई लगाए, पावर चालू करे या सॉकेट में लगाए, कहीं भी लगाए, खटका डाले, इंडोर ऑन हो गया अपने को। इंडोर ऑन होने के बाद में इसमें जो वायरिंग रहती पीसीबी में एकदम सिंपल रहती, फेस न्यूट्रल लगे हुआ रहता, पीसीबी में भी अपने को लिखे हुआ रहता लाइन न्यूट्रल अर्थिंग जो भी है। उसके बाद में इंडोर जब ऑन हो जाता अपने को, ऑन होने के बाद में पीसीबी अगर ओके रहा, सेंसर्स ओके रहे इसके, फैन मोटर सही फिर रही, सब ओके रहा, वोल्टेज जितना अपने को रिक्वायर्ड है उतना वोल्टेज आ रहा, 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज जो भी है, चेक कर लिए के बाद में वोल्टेज जो है बराबर रहने के बाद पीसीबी पूरा ओके रहे, तो उसके बाद इन्हें आउटपुट पावर देती। आउटपुट पावर मतलब कंप्रेसर को ऑन करने के लिए आउटपुट पावर देती, तब जो है ये अब कंप्रेसर को जाता। उसके बाद में अपन कंप्रेसर कैसा ऑन होता, कौन सा वायर कंप्रेसर में किधर लगाना है देखेंगे। अब देखो ये इंडोर है, इंडोर से अपने को इंडोर ऑन होने के बाद में तीन वायर निकलते। फेस न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर फेस न्यूट्रल दो है, और ये अपने को अर्थिंग का वायर है अलग से। तो अब थ्री कोर का केबल या फोर कोर का केबल अपन डालते हैं इंडोर से आउटडोर को। तो इंडोर ऑन हो गया अपना, ऑन होने के बाद में आउटपुट पावर दे दिया। आउटपुट पावर देने के बाद में कंप्रेसर की वायरिंग और फैन मोटर की वायरिंग कैसी रहती है वो देखेंगे। अब अपने को आउटपुट आके यहाँ पे जो अपने को ऐसे के कनेक्टर्स बने हुए रहते हैं आउटडोर के अंदर, देखे होंगे कहीं भी, तो ये कनेक्टर के अंदर आके अपने को जो है रेड फेस है, ब्लैक न्यूट्रल है, ग्रीन जो है अर्थिंग का है, तो इधर लग गया अपने को फेस न्यूट्रल अर्थिंग तीन लग गए। अब यहाँ से कंप्रेसर को कौन सा वायर जाता, फिर कैपेसिटर कहाँ पर लगता अपने को, फिर फैन मोटर को कौन सा वायर जाता, इसको कैपेसिटर कहाँ लगता वो देखेंगे। पहले कंप्रेसर पे आ जाएंगे, तो अब इसके कंप्रेसर की वायरिंग जो रहती है अपने को सीएसआर बोल के बने हुआ रहता, कंप्रेसर के टर्मिनल के ऊपर या फिर ये ढक्कन हटाए तो नीचे एक लब्बर रहता उस पर भी लिखा हुआ रहता, लेकिन 90% तो इसके ऊपर लिखा हुआ रहता सीएसआर। तो अब ये सीएसआर में अपन फेस किधर लगाना, न्यूट्रल किधर लगाना, कैपेसिटर किधर लगाना, उस पर बात करेंगे। तो पहले देखो एस जो है अपने को ये साइड है, ये साइड का टर्मिनल एस के लिए मतलब स्टार्टिंग के लिए, सी जो है इधर है, सी का मतलब कॉमन है अपने को, आर मतलब रनिंग। तो अब रनिंग कौन सा वायर बनते हैं, फेस बनता है या न्यूट्रल बनता है, क्या है पूरा वीडियो में देखेंगे अपन। अब देखो ये टर्मिनल हटाने के बाद में या नीचे देख लिए तो ये जो है अपने को स्टार्टिंग का पिन है ऊपर का साइड वाला, फिर ये जो है डिस्चार्ज के साइड जो है अपने को रनिंग का पिन है, फिर इधर जो है कॉमन का पिन है। तो कॉमन में कौन सा वायर लगेंगे डायरेक्ट देखो, मैं कॉमन के लिए ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्लैक वायर मैं यहाँ कंप्रेसर में लगा दिया। तो अब यहाँ से जो है ब्लैक वायर यहाँ लगा के डायरेक्ट मैं इसको न्यूट्रल में लगा देता हूँ, तो न्यूट्रल जो है डायरेक्ट कॉमन में लग गया। अब अपने को कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गया अपने को, जो कॉमन जो है डायरेक्ट न्यूट्रल आके लग गया। अब इसको फेस लगाना है, तो फेस जो है अपन डायरेक्ट नहीं लगाते, कैपेसिटर यूज़ करते बीच में। तो रेड वायर जो है मैं अपने को कैपेसिटर ऐसे रहते ना, ये भी 36 का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो अब इसमें चार टर्मिनल बने हुए रहते अपने को। तो अब इसके अंदर मैं एक साइड फेस लगा देता हूँ रेड वायर। अब रेड वायर इधर लगा के यहाँ से जो फेस अपने को आ रहा ना इंडोर से, वो फेस के वायर यहाँ पे जॉइंट करके कैपेसिटर को लगा दूँ। कैपेसिटर को लगाने के बाद में कैपेसिटर से एक वायर जो है, जो रेड वायर सेम यहाँ पे अगर लगाया, समझो मैं अब चार टर्मिनल बने हुए रहते अपने को इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं फेस लगाया तो इसके बाजू से ये अपोजिट दूसरा हो जाता। अब इसके अंदर अपने को अलग अलग बने हुए है, तो ये दो जो है एक के लिए है, तो यहाँ पे मैं फेस लगा के इसके बाजू से यहाँ पे लेकर के रनिंग को लगा देता हूँ। तो रनिंग मिल गया, कॉमन मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद में कंप्रेसर को स्टार्टिंग होने का रहता अपने को फेस न्यूट्रल मिलने के बाद में। जैसा अपने कंप्रेसर कैसा काम करता बोले तो, फेस न्यूट्रल मिलने के बाद में इसकी वाइंडिंग रुके हुई रहती, तो जैसा स्टार्ट
इसको मिल जाता ना सेल्फ मारते कि जैसा अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाती वैसे ही कैपेसिटर में से जब अपने को स्टार्टिंग आ जाता ना स्टार्टिंग आते कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता अपने को, कंप्रेसर स्टार्ट होकर काम करना शुरू कर देता। तो एक बार मैं वायरिंग लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद में फिर देखेंगे। अब पूरा वायरिंग मैं कनेक्ट कर लिया, शुरू से देख लेंगे। इंडोर ऑन हुआ, इंडोर पूरा ओके रहा, चेक कर लिया। चेक करने के बाद में आउटपुट दिया। आउटपुट देने से पहले कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो इंडोर में रहता, आउटपुट आने के बाद में अगर कूलिंग नहीं आ रही बोले तो आउटडोर का प्रॉब्लम रहता। तो खैर अपन आज वायरिंग देख रहे हैं ना, तो अब देखो आउटपुट आ गया। आउटपुट मतलब फेस और न्यूट्रल आ गया अपने को इंडोर की पीसीबी से। तो ये वायर से फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आके लगा अपने को। अभी अर्थिंग के लिए है, फेस और न्यूट्रल आके यहाँ पे लग गया। अर्थिंग आके कहीं भी आउटडोर को लग जाता तो अपने को टर्मिनल में देख सकते रेड और ब्लैक फेस और न्यूट्रल है। तो अब यहाँ से ब्लैक वायर जो है सीधा आके कॉमन को लग जा रहा। अभी इसके अंदर जो है टर्मिनल पे अपन देखे थे RSC कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अब यहाँ पे अपन राइट साइड का जो है रेड वायर जो है रनिंग के लिए है, अब उसके अपोजिट जो है स्टार्टिंग के लिए है, लेफ्ट वाला जो है सी कॉमन के लिए है। तो अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की वायरिंग करे सो अपन, तो अब कॉमन में जो सी है सी वाले टर्मिनल में अपन ब्लैक वायर लगाए, जो ब्लैक वायर सीधा ला के इधर न्यूट्रल में लगा दिए। तो इंडोर से जो न्यूट्रल आया वो कॉमन को लग गया, कंप्रेसर के कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गया। अब इसको फेस देने का है, तो फेस अपन कहाँ से दिए, इंडोर से जो फेस आया ये फेस रेड वायर आके कैपेसिटर को लगा अपने। कैपेसिटर को लगने के बाद में वही फेस बाजू से रेड वायर से आके रनिंग में लग गया। तो अब इसको फेस और न्यूट्रल मिल गया, ब्लैक जो है न्यूट्रल मिल गया और रनिंग जो है फेस मिल गया। फेस न्यूट्रल मिलने के बाद में इसको स्टार्टिंग होने का रहता। तो अब स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर को अपन जो चार टर्मिनल्स है उसमें से दो यूज़ कर लिए अपन, तो इसके बाजू में और दो जो बचे हुए हैं वो उसमें से एक कहीं भी लगा सकते, उधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते। लगा के मैं येल्लो वायर जो है स्टार्टिंग को लगा दिया, तो फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग मिल गया इसको, मिलते कि जो है कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता अपना, स्टार्ट होकर वर्क होना शुरू हो जाता। तो सेम फैन मोटर जो है ऐसे ही रहता कनेक्शन फैन मोटर का। एक बार फैन मोटर ले लेता हूँ देखेंगे। अब देखो फैन मोटर अपने को थोड़े मशीनों में तीन वायरों की रहती, थोड़े मशीनों में पांच वायरों की रहती। अब पांच वायर रहे सो उसमें जो है दो तो कैपेसिटर के रहते, तीन रहते सो फेस न्यूट्रल अर्थिंग रहता। अब जो तीन वायर रहते इसके अंदर अपने को अर्थिंग सीधा बॉडी से मिलती। अब ये तीन वायरों में अपने को फेस न्यूट्रल और स्टार्टिंग रहता, मतलब सेम CSR समझो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो इसमें फेस न्यूट्रल और कैपेसिटर के लिए रहता। अब आमतौर पे अपने को मोटरों के ऊपर ऐसे स्टिकर बने हुए रहते, उसके अंदर जो है इसकी वायरिंग जो रहती उतरे हुई रहती। नहीं बोले तो 90% तो जो है ब्लू वायर न्यूट्रल के लिए रहता, रेड जो है फेस के लिए रहता, और बाकी का जो व्हाइट वायर आता या येल्लो ग्रीन जो भी एक्स्ट्रा वायर आता वो अपने को कैपेसिटर की स्टार्टिंग के लिए रहता। तो सेम वही वायरिंग करेंगे अपन इसको, रेड जो है कैपेसिटर को लगा के रनिंग बनाएंगे, मतलब सेम जो अपने को यहाँ से फेस आके कैपेसिटर को लगाना, कैपेसिटर को लग के फिर फेस इसको लगा जो कंप्रेसर मोटर या फैन मोटर। तो सेम वैसे ही टर्मिनल से आके अपने को कैपेसिटर को फेस लगेगा, फिर वही वायर जो है रनिंग बनेगा अपने को मोटर के लिए, फेस बनेगा। तो फेस के लिए जो है रेड लग रहा। तो अब इसको मैं कैसा लगाता हूँ, कैपेसिटर को अपने दो ही टर्मिनल आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसके साथ में एक वायर और एक जॉइंट कर लेता हूँ, जॉइंट कर लेके इधर लगा देता हूँ, लगा के फेस लगा देता हूँ इसको। तो फेस के साथ इन्हें रनिंग बन जाता कैपेसिटर के साथ, और ये जो है येल्लो स्टार्टिंग का है तो नॉर्मल एक जगह स्टार्टिंग लगा देता हूँ। तो अपने को स्टार्टिंग और फेस मिल गया, न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देता हूँ। लगा दिए के बाद में फिर देखेंगे पूरा। अब देख सकते हैं फैन की भी वायरिंग में पूरी लगा दिया, कंप्रेसर फैन सब की वायरिंग हो गई। अब फैन में मैं क्या क्या लगाया, तीन वायर थे अपने को फैन मोटर के साथ, ब्लू रेड और येल्लो। तो मैं क्या करा, ब्लू जो है न्यूट्रल को लगा दिया और रेड जो है कैपेसिटर के साथ में फेस को लगाया, तो वो रनिंग बन जाता अपने कैपेसिटर के साथ लगाए तो। और येल्लो जो है सेपरेट जो कैपेसिटर में और एक टर्मिनल बने हुआ रहता ना उसको लगा दिया, तो मतलब वो स्टार्टिंग बन गया अपने को। और इसके अंदर एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि कैपेसिटरों को देख के उन लोगों के सूरतों से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते, छोटे कैपेसिटरों में दो ही पिना रहते, बड़े कैपेसिटर में अपने को चार पिना देखने को मिलते। तो अब ये बात क्लियर कर देता हूँ मैं, जो चार पिना रहते ना वो चार सेपरेट सेपरेट ना रहते, अलग अलग चार में से जो है दो दो की जोड़ी बनी हुई रहती। जैसा कि अपन पीछे बात करें जो दो पिना रहते ना, तो दो में से अपन किसको भी रनिंग बना सकते, किसको भी स्टार्टिंग बना सकते। अब वो बड़ा कैपेसिटर है बोले वैसा सेफ्टी के लिए चार पिना देते समझो, एक जगह फेस लगा
के एक जगह से निकालना बोले ऐसा, मतलब दोनों एक जगह कनेक्ट ही रहते अपने को। तो जिधर अपन फेस लगाए उसको रनिंग बनाना, जिधर अपने को खाली पीने उसको स्टार्टिंग बनाना। तो सेम छोटे कैपेसिटर में ऐसा ही रहता अपने को। अब उसमें अपन फेस लगा के उसके बाजू के पिन से नहीं निकाल सकते बोले ऐसा, दो वायरा ज्वाइंट कर दे के फेस लगा दे के उसको टर्मिनल में ही लगा देते समझो वही फेस। पर पूरी वायरिंग डिटेल में देख लेंगे। इंडोर को अपने को फेस न्यूट्रल आके लग गया, फेस न्यूट्रल आने के बाद में इंडोर ऑन हो गया। ऑन होके इंडोर की पीसीबी चेक कर लिया अपने को, इंडोर पूरा ओके है नहीं है। पूरा ओके रहने के बाद में इंडोर से अपने को आउटपुट पावर आया। आउटपुट पावर कंप्रेसर ऑन करने के लिए पीसीबी देता अपने को, तो वो आउटपुट पावर अपने को ये वायर के जरिए आया। वायर के जरिए आके फेस न्यूट्रल अर्थिंग ये कनेक्टर में लगा। आउटडोर का टर्मिनल है अपने को, आउटडोर में जो कनेक्टर्स आते हैं ना वो है। तो अब यहाँ पे आके फेस न्यूट्रल लग गया। फेस न्यूट्रल लगने के बाद में अब यहाँ से कंप्रेसर को भी गया है और अपने फैन मोटर को भी गया। तो कंप्रेसर में फेस न्यूट्रल कहाँ लगा, फैन मोटर को फेस न्यूट्रल कहाँ लगा वो देखेंगे। तो कंप्रेसर के अंदर अपने को ऐसे के तीन टर्मिनल बने हुए रहते, देख सकते हैं ये कवर के ऊपर लिखे हुआ है CSR बोल के। तो अब CSR में अपने को कहाँ पर अपन फेस लगाए, कहाँ न्यूट्रल लगाए, कहाँ पे इसमें क्या लगाए वो उस पर देख लेंगे। अब देखो जो अपने को टर्मिनल में आके फेस न्यूट्रल लगा, तो फेस आके पहले कैपेसिटर को लगा। कैपेसिटर को लगने के बाद में वो आके सीधा आर को लग गया, मतलब फेस मिल गया आप अपने को। अब न्यूट्रल जो है डायरेक्ट, जो न्यूट्रल यहाँ कनेक्टर में आके रुके हुआ है वो न्यूट्रल डायरेक्ट आके यहाँ पे सी का जो टर्मिनल था अपना कॉमन वाला उसमें न्यूट्रल डायरेक्ट लग गया। अब इसको फेस न्यूट्रल मिल गया, स्टार्टिंग होने का था। स्टार्टिंग जो है येलो एस जो बने हुआ है टर्मिनल एस वायर आके जो अपना कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर के और एक साइड में जो खाली थे दो, वहाँ से स्टार्टिंग मिल गया। तो इसको फेस न्यूट्रल मिल गया, स्टार्टिंग मिल गया, कंप्रेसर ऑन हो गया। तो सेम फैन मोटर जो है अपने, फैन मोटर को भी तीन चीज़ें होने का रहता, फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग। तो जो फेस है अपन सेम जो जैसा कंप्रेसर को दिया पहले कैपेसिटर को दे के उसके बाद रनिंग के लगाए ना, तो वैसे ही लगाए इसके अंदर भी। अब इसमें तीन वायर है अपने को, ब्लू येलो रेड। तो जो ब्लू है मैं न्यूट्रल के लिए यूज़ करा, कॉमन वायर है डायरेक्ट न्यूट्रल में लगा दिया। तो अपने मोटर को जो है न्यूट्रल मिल गया। फेस जो है मैं कैपेसिटर के साथ लगाया, फेस जो इंडोर से आया था अपने को सीपी का, वही फेस यहाँ पे आके कैपेसिटर को एक साइड लगा, एक साइड को लग के वही रेड वायर जो मोटर का है उसको लगा दिया। तो मोटर को भी अपने रनिंग मिल गया समझो वो फेस के साथ। और एक जो वायर खाली था स्टार्टिंग के लिए वो कैपेसिटर और एक साइड लगा दिया, तो फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग मिल गया। आई होप के समझ में आ गया होगा पूरा मशीन को कैसा फेस न्यूट्रल लगा। अभी आउटडोर ही है समझो अपने को पूरा, आउटडोर के अंदर ये दो चीज़ें रहते और कुछ भी नहीं रहता नॉन इन्वर्टर में। आई होप के समझ में आ गई होंगी पूरी वायरिंग। और अच्छे से समझने के लिए पूरी वायरिंग को मैं इसके ऊपर जो डायग्राम बनाया ना वो भी वीडियो एक बार देख लो, जिसको मैं लास्ट में एंड में डाल देता हूँ, क्लिक करके वो देख ले सकते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।